हम बनाएंगे मोस्ट पावरफुल पीसी ये रहा वो सारा तामझाम और ये होने वाला है मोस्ट मोस्ट द मोस्ट पावरफुल गेमिंग एंड एडिटिंग पीसी लेकिन एक सेकंड इसको बनाए कहा आइडिया स्टूडियो में बनाते हैं लेकिन ये तामझाम उठा के कौन ले जाएगा यार अरे बहुत भारी यार अरे ये कहाँ उठा रहा है तेरे लिए है। <laughs> जय तो हम यूज करने वाले हैं मोस्ट पावरफुल सीपीयू एंड अगर आप एक पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हो आपको क्या टिप्स ट्रिक्स अपनानी चाहिए जिससे आप एक अपने लिए बेस्ट पीसी बिल्ड कर सकते हो एंड कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स भी बताऊंगा जिससे आप आपसे बचा सकते हो ये वीडियो देखने के बाद आप एक कंप्यूटर इंजीनियर बन जाओगे नहीं वो वाला नहीं आप खुद एक पीसी असेंबल कर पाओगे लिख के देता हूँ भाई सच बताओ सो 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 एक्साइटेड रहा नहीं जा रहा मजा आएगा कितना पावरफुल है सब कुछ टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले ये हम मदरबोर्ड को अनबॉक्स करते हैं

ये CPU है और यहाँ पर हमारा जीपीयू लगेगा इसके नीचे सब लगेंगे लगेंगे और बाकी ये जो सारे पे दूसरे peripheral लगेंगे। तो सबसे पहले हम हम करेंगे भाई कर करें रहे हैं इंटेल काउजेंड आप आप के बीच में आपको लेकिन अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो ये आपको फिफ्टी के आसपास मिल जाएगा तो टोटल तो थ्री आप सेव कर सकते हो भाई इसको अनबॉक्स कर लेते हैं ओहो oh oh, क्या बात है इसके अंदर है असली मसाला मोस्ट पावरफुल सीपीयू देखो ये ऐसे खुलता है हो oh हो oh oh oh. ये है हमारा सीपीयू छोटा सा है लेकिन बहुत ही काम करता है इसका काम सिंपल होता है दोस्तों प्रोसेस करना मतलब तो आप अपने कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हो कुछ भी टास्क देते हो तो वो जो काम करता है वो सारे ये सीपीयू करता है जैसे आपने कंप्यूटर को कहा टू प्लस टू कितना होता है फोर तो वो काम ये सीपीयू करता है इसको लगाना बहुत ही सिंपल है देखो यहाँ पर आपको बस ये ऐसे नीचे लगे दबाना ये खुल जाएगा उसके बाद इसको ऐसे ओपन करना है अब यहाँ पर हमारा ये सीपीयू लगेगा और ये प्रोसेसर लगाते

रेटिंग करनी है देन आप थर्टी टू या फिर सिक्सटी फोर के साथ जा सकते हैं लेकिन अगर आपको हाई एंड काम करना है टॉप लेवल का काम करना है तो आपको थर्टी टू से ज्यादा रैम लेनी चाहिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं भाई ओहो हो हो भाई क्या बात दो 32 बत्तीस जीबी के रैम हो गए टोटल सिक्सटी फोर रैम हमारे पास है ये लेटेस्ट रैम है डी रैम है और ये रैम यहाँ पर लगेगा तो इसको आपको कैसे करना है नीचे करना है ये दो दो के स्लॉट में लगेगा और यहाँ से और ये कनेक्ट करने का ध्यान रखना ये चीज ये इससे कनेक्ट करना है आपको ये ऐसे जाएगा यहाँ पे लगेगा और इसको देखिए भाई ऐसे हमें पुश करना है

ऐसे मैच करके यहाँ पर अपना जो मदर है जो भी हमने पार्ट्स कनेक्ट किया वो सारे ऐसे लगा देना है ये यह यहाँ कनेक्ट हो जाएगा थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है दोस्तों तो भाई फाइनली ये हमारा मदर कैबिनेट से कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर अब हमें स्क्रू कसने है बस थोड़े से फाइनली so काफी मेहनत के बाद मदरबोर्ड हमारा कनेक्ट हो चुका है कैबिनेट से और ये जो कैबिनेट है हमें टोटल पड़ा पच्चीस हजार के आसपास तो अब हमें कनेक्ट करना है भाई जीपीओ हो गया वायरिंग हो गई और फैन कनेक्ट करना है जीपीओ हम सबसे लास्ट में कनेक्ट करेंगे क्योंकि भाई वो सबसे ज्यादा हैवी है ना सबसे महंगा भी है नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे भाई कूलर और भाई ये काम आता है ठंडा करने के लिए होता है ना कई बार आपका दिमाग खराब हो जाता है आप बोलते हो ना अम्मा बहन पे आ जाऊंगा अम्मा बहन पे ऐसे ही भाई सीपीयू भी जब ज्यादा हैवी काम करता है उसका भी दिमाग खराब हो जाता है उसको ठंडा करने के लिए ये फैन काम आता है तैयारी कर लेते हैं और भाई इस तामझाम के थोड़ा सा नीचे बैठना पड़ेगा कैमरामैन फोकस करो इसके अंदर क्या, भाई? क्या भाई है भाई हाँ ये क्या चीज है भाई इतनी सारी चीजें ये वायरिंग है और ये सारी चीजें कनेक्ट करनी है बहुत टाइम लगने वाला भाई भाई ये फैन हमें टोटल पड़ा 25500 के आसपास <laughs> बताओ घर वाले कुल ऐसे महंगे हैं दोस्तों बहुत मेहनत लग रही है लगता है शेर को बुलाना पड़ेगा है शेर <laughs> अरे ये है क्या ये सीपीयू कूलर है चलो ये अभी यहाँ पे लगाना है इसे ये सीपीयू को ठंडा करने के लिए लगाया जाता है बहुत टाइम लग गया है इसको लगाने में मतलब फैन वैन सेट करने में ये देखो यहाँ सारे फैन हमने सेट कर दिए हैं ऊपर से ठंड भी बहुत लग रही है यार तो भाई बड़ी मेहनत के बाद जो हमारा कूलर है वो कनेक्ट हो गया है नेक्स्ट हमें कनेक्ट करना है ये पी एस यू वायर इसका फुल फॉर्म है पावर सप्लाई यूनिट बेसिकली इसका यूज किया जाता है भाई सिस्टम को पावर देने के लिए और ये हमारे पास जो है ये बारह सौ वॉट का पीएसयू पावर सप्लाई है और ये प्लेटिनम सर्टिफाइड है और ये हमें टोटल पड़ा साढ़े इक्कीस हजार रुपए का और इसको कनेक्ट करते हैं चौबे इसको फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं वे, वे, वे। यार ये तो काफी ज्यादा हैवी है इसके अंदर क्या है ओरी मोरी मैया इसको हम यहाँ पे लगाएंगे बड़े प्यार से स्लाइड करके ये यह यहाँ पे अटैच हो जाएगा और भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे ये देखो भाई इतनी सारी तारे है ये कहाँ का कनेक्ट होगा ये है क्या बोलते भाई इसको <laughs> <मदर laughs> ये 24 पिन हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे मेन पावर के लिए देखो यार इतनी वायरिंग है यहाँ पर इतना कंफ्यूजन हो रहा बनाने में हाँ भाई साहब कब ठीक करके दे रहा हो अभी ठीक करके देता हूँ देता हूँ अभी ठीक करके देता हूँ जब से आप ठीक करके देता हूँ सुबह चार पाँच घंटे से अभी ठीक करके देता हूँ अभी दो बत्तीस के आस पास पड़ा मैं यहाँ पे दो लाख बत्तीस हजार की बात कर रहा हूँ दो बत्तीस की नहीं अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाओगे या फिर ऑनलाइन चेक करोगे तो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है दो तरीके के ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिलेंगे इंटीग्रेटेड होते हैं और दूसरा डेडिकेटेड होता है अगर आपको थोड़ा सा हैवी काम करना है ग्राफिक्स का आप काम है तो प्रेफर कीजिए हमेशा डेडिकेटेड ग्राफिक्स के जाए और आज के टाइम पे एटलीस्ट सिक्सटीन सिक्सटी वाला ग्राफिक्स कार्ड ही चुने या फिर उससे ऊपर चुने नीचे मत जाना वरना फिर आप बोलोगे भारी नुकसान हो गया <laughs> तो हम फिलहाल जो यूज कर रहे हैं वो फ्लैगशिप एकदम टॉप लेवल का जीपीयू है यह जी फोर आर टी एक्स फोर्टी नाइनटी ट्वेंटी फोर जीबी मेमरी है इसमें और ये ओसी एडिशन वाला जीपीयू है इससे ऊपर अभी तक कोई जीपीयू नहीं है मार्केट में जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं चलो इसको कनेक्ट करते हैं फुल ओहो ये है भाई हमारा फोर्टी नाइन्टी भाई ये जीपीयू इतना एक्सपेंसिव है इतना एक्सपेंसिव है इसमें तेरा <laughs> अरे इसमें तो हम डीजे भी बजा सकते हैं आइडिया डीजे डीजे डी जे

हुआ हो मुबारक <laughs> रखो कंग्रेचुलेषन कंग्रेचुलेशन ये ऑन कैसे होता है अरे यार इतनी देर से क्या कवाली की धुन बना रहा था मजा आ था अरे <laughs> अब ये विंडो ऑन हो जाए बस यार ऑन <laughs> हो गया मजाक से हटके फाइनली जो हमारा सेटअप है वो रेडी हो चुका है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगा बहुत ज्यादा मेहनत लगी है लेकिन फाइनली ये ऑन हो गया है अब हम करने वाले इसकी असली परफॉर्मेंस टेस्टिंग तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग करने के लिए फिलहाल हम यहाँ पर ये पब्जी इंस्टॉल कर रहे हैं हमने प्रेमियर प्रो भी इंस्टॉल कर दिया तो अभी फोर के एडिटिंग भी करके देखेंगे तो फिलहाल हम फोर पे गेम चलाने वाले हैं और यहाँ पर जो डिस्प्ले मोड है वो हम बॉर्डर पे कर दे रहे हैं और रेजोल्यूशन ये हम हाइएस्ट कर दे रहे हैं ओ भाई ग्राफिक्स देखो क्या बात है बट ग्राफिक्स अच्छे दिख रहे हैं सॉलिड है ओए अरे 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 इसके अलावा हमने इसमें 4K वीडियो एडिटिंग भी किया करीब 13 मिनट के आसपास फुटेज था और 4K पे हाई बीट रेट पे इसको रेंडर करने में करीब 17-18 मिनट के आसपास इसने समय ले लिया जो मैं कहूंगा पिछले पीसी के कंपैरिजन में बहुत ही फास्ट है अब आप सोच रहे हो भाई इस पीसी को बनाने में कितना खर्चा आया तो मोटा मोटा अगर माने टोटल भाई ये पीसी बना साढ़े लाख रूपये का अब आप पूछोगे इस पीसी को बनाने की क्या जरूरत पड़ी आजकल हम कर रहे हैं हैवी एडिटिंग क्वालिटी को धीरे धीरे थोड़ा सा इंप्रूव करते जा रहे हैं और उसमें हमें चाहिए भाई हाई ग्राफिक्स कार्ड हाई परफॉर्मेंस जिससे भाई जो वीडियो एडिटिंग है जो हमारे एडिटिंग से वो स्मूथली वीडियो को एडिट कर सके और हाँ आपको फटाफट से वीडियो मिल सके तो बस यार वीडियो के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर देना फैला देना वीडियो को और मिलता हूं आपको नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड स्टे से शे.